नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। दोस्तों, आज हम आपके लिए रोजगार समाचार के तहत यूपी SSSC के द्वारा यानी उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जूनियर असिस्टेंट के पदों पर नई भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है। टोटल पदों की संख्या है 2702। पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के दौरान आपको उपलब्ध कराएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट UPSSC.gov.in पर। जैसा कि पेज आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ नोटिस बोर्ड में विज्ञापन संख्या 12/2024 कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा भर्ती 2023 से संबंधित लिंक दिया गया है, जिसे यहाँ हम पहले से ही डाउनलोड किए हुए हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ विज्ञापन संख्या 12/2024 कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा विज्ञापन ये जारी किया गया है 26 नवंबर को। ऑनलाइन आवेदन करने और शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है, माफ़ कीजिए, प्रारंभिक तिथि है 23 दिसंबर 2024 से इन पदों के लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करने की अंतिम तिथि है 22 जनवरी 2025। शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि है 29 जनवरी 2025 तक। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपने भी PET 2023 का स्कोर कार्ड जो कि वैलिड होना चाहिए पास किया है, या आपके पास वैलिड PET 2024 का स्कोर कार्ड है, तो आप इन पदों के लिए 22/1/2025 तक आवेदन शुल्क और आवेदन फॉर्म को हर हाल में सबमिट करा दें ऑनलाइन मोड में। साथ ही आपको आपका जो प्रिंट आउट है उसको आप निकाल सकते हैं, फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए अपने पास सुरक्षित रख लें। शुल्क जमा करने की रसीद भी आपको अपने पास सुरक्षित रख लेनी है। शुल्क समायोजन 22/1/2025 तक या उसके पश्चात 7 दिन के विलंब के अंदर 29/1/2025 तक अनिवार्य रूप से बैंक द्वारा कर दिया जाना चाहिए। तो कुल यहाँ पर जो पद हैं, कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट के 2702 हैं, जिनमें से 2568 पद सामान्य चयन के अंतर्गत, 134 पद हैं विशेष चयन के लिए। तो समस्त राज्यों के भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा 2023 के लिए। इन्हें केवल वही आवेदन कर सकते हैं इन पदों के अगेंस्ट जो कि शॉर्टलिस्ट किए गए हैं PET या प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 के आधार पर। ऐसे कैंडिडेट जिन्हें नेगेटिव मार्किंग के साथ में PET स्कोर कार्ड 2023 जारी किया गया है, वो इन पदों के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आवेदन करने के लिए ऑनलाइन मोड में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम पर जाना होगा, UPSSC.gov.in की वेबसाइट पर। वहां जाने पर होम पेज पर जाना है, लाइव एडवर्टाइजमेंट के सेगमेंट में आपको डाउनलोड और व्यू पर क्लिक करना है। यहाँ एप्लीकेशन प्रोसेस का लिंक आपको दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। और इसके साथ ही आवेदन की अंतिम तिथि 22/1/2025 तक अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और समस्त जो अन्य योग्यताएं हैं, प्रमाण पत्र हैं, वो आपके पास आवश्यक रूप से फिजिकल मोड में उपस्थित होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। तो आपको प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर यानी PET रजिस्ट्रेशन 2024 के जो रजिस्ट्रेशन नंबर इशू किया गया था PET 2023 में, उस रजिस्ट्रेशन का इस्तेमाल करना है। उसके दो तरीके हैं, पहला है व्यक्तिगत विवरण यानी पर्सनल डिटेल डालकर, जैसे PET 2023 का रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि कैंडिडेट की, लिंग, उत्तर प्रदेश निवासी होने का डोमिसाइल और कैटेगरी, ये आपको लॉगिन के लिए भरने होंगे और आप लॉगिन कर पाएंगे। दूसरी जो तरीका है, OTP के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन कर सकते हैं। उसके लिए PET 2023 का रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर ईमेल पर भेजा जाएगा। OTP के माध्यम से उस OTP का इस्तेमाल करेंगे ऑनलाइन लॉगिन करने के लिए।
लॉगिन कर लेने के बाद में आपको आपके सामने आपकी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे आपका नाम, पता, पति का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल, विवरण, श्रेणी, EWS, SC ST OBC, क्षैतिज आरक्षण से संबंधित जन्मतिथि, वैवाहिक स्थिति, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सभी आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगे। इस भाग में आपको शैक्षिक योग्यता आपकी दिखानी होगी या भरनी होगी। सभी आवश्यक सूचनाएं भरने के बाद में एंटर वेरिफिकेशन कोड पर जाना होगा और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अभ्यर्थी का आवेदन पत्र आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगा, जिसमें 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन भी आपको दिखाई देगा। फोटो भी आपको चेक कर लेना है और हस्ताक्षर भी आपको चेक कर लेने हैं कि वो सही हैं और अच्छे से विजिबल हैं। अन्य विवरण को आपको चेक कर लेना है सही से। उसके बाद डिक्लेरेशन वाले पेज पर जाकर आपको टिक कर देना है, सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। फिर आपको प्रोसीड टू फीस पेमेंट पर जाना होगा और फाइनल सबमिशन की प्रक्रिया को पूरा कर देना है। तो इस तरह से आप ऑनलाइन मोड में मुख्य परीक्षा जूनियर असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ तो परीक्षा शुल्क होगी या आवेदन शुल्क होगा, आप देखेंगे। अनारक्षित, अन्य पिछड़े वर्ग, SC ST, ₹25 ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क पेमेंट करनी है। आवेदन शुल्क कुछ पेमेंट नहीं करनी है, केवल ऑनलाइन जो प्रोसेसिंग चार्जेज हैं ₹25 वो पेमेंट करने हैं सभी वर्ग के कैंडिडेट्स को। मुख्य परीक्षा के लिए केवल ऐसे कैंडिडेटों को ही शुल्क पेमेंट करना है जो कि मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं या जिनके पास CET 2023 का वैलिड स्कोर कार्ड है। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलती हो गई है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। PET रजिस्ट्रेशन 2023 के रजिस्ट्रेशन के द्वारा लॉगिन करने के बाद में उस पर OTP भेजा जाएगा। OTP का आपको प्रोवाइड कराना है और लॉगिन कर लेना है। केवल आप नाम की स्पेलिंग में गलती हो गई है तो उसमें सुधार कर सकते हैं। पिता पति के नाम की स्पेलिंग, पत्राचार का पता, अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे EWS, क्षैतिज जो आरक्षण की श्रेणी है, DFF, एक्स सर्विस मैन, PH, उत्कृष्ट खिलाड़ी, जाति की श्रेणी, SC ST OBC, अन्य पिछड़े वर्ग, और यहाँ पर कैंडिडेट का लिंग, आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता से संबंधित विवरण, ये केवल आप चेंज कर पाएंगे, अन्य विवरणों को चेंज नहीं कर पाएंगे। संशोधन लिंक जो है आपको केवल 29 जनवरी 2025 तक ही अवेलेबल होगा। तो यहाँ पदों का विवरण, पे बैंड यानी वेतनमान और कैटेगरी वाइज पदों का जो विवरण है कुछ इस तरह से है। राज्य कर आयुक्त कार्यालय में जूनियर असिस्टेंट लेवल 3 वेतनमान होगा ₹21,700 से और अधिकतम वेतनमान ₹69,100 होगा। ग्रेड पे होगा यहाँ पर 2,000। अनारक्षित के हैं 454 पद, SC के 228, ST के 14, OBC के 304, EWS के 111 हैं। कुल पद हैं 1,111। ये सभी पद परमानेंट हैं। खाद्य रसद विभाग यानी आपूर्ति शाखा में 108 अनरिजर्व के हैं, SC के 72, ST के 4, OBC के 58 और EWS के 26, टोटल 268 पद हैं। उद्योग एवं उत्साहन प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश में, यहाँ आप देखेंगे 46 पद अनरिजर्व के, 24 SC, 2 ST, 28 OBC, 11 हैं EWS, टोटल हैं 111 पद। समाज कल्याण विभाग निदेशालय में जूनियर असिस्टेंट के जनरल के हैं 28, SC के 10, ST के 2, OBC के 23 और EWS के 7, टोटल 70 पद हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं में जनरल के 27, SC के 14, ST का 1, OBC के 14, EWS के 6, टोटल 66 पद हैं। होम गार्ड्स मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ में 37 अनरिजर्व हैं, 7 SC, 1 ST, 14 OBC, 1 6 हैं EWS, टोटल 65 पद हैं। इसी तरह आप देखेंगे खाद्य रसद विभाग विपणन शाखा में 34 जनरल के हैं, SC के हैं यहाँ पर 16, 7 ST हैं, 6 EWS, टोटल 63 हैं। यहाँ वेतनमान न्यूनतम 5200 और अधिकतम वेतनमान 2,200, 20,200 होगा। पे बैंड 1 में ग्रेड पे होगा 2,000 का।
कार्यालय आयुक्त निबंधन सहकारिता उत्तर प्रदेश में 25 अनरिजर्व, 12 SC, 1 ST, 18 OBC, 6 EWS, टोटल 62 पद हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में जूनियर असिस्टेंट के हैं 25, जनरल SC, 12 ST, 1 OBC, 17, 6 EWS, टोटल हैं 61। अर्थ संख्या विभाग में हैं 25 जनरल, SC 12, ST 1, OBC 16 और EWS के हैं 6, टोटल 60 पद हैं। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में हैं 24 जनरल, SC 13, ST 1, OBC 15, EWS 5, टोटल 58 पद। महाराजा राजेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ में हैं 19 जनरल, 9 SC, 1 ST, 13 OBC और EWS 4, टोटल हो गए 46। राजकीय महाविद्यालय, राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा निदेशालय जूनियर असिस्टेंट के 18 जनरल, SC 10 और OBC 12, EWS 4, टोटल 44। महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ में 16 जनरल, 8 OSC, 12 OBC, 4 EWS, टोटल 40 हैं। महिला कल्याण निदेशालय में 15 जनरल, 8 SC, 1 ST, 12 OBC, 4 EWS, टोटल 40 पद हैं। इसी तरह मत्स्य निदेशालय में 16 जनरल, 8 EWS, माफ कीजिए, 8 SC और 11 OBC और 3 EWS, टोटल 38 पद हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय 15 अनरिजर्व, 8 SC, 10 OBC, 3 EWS, टोटल 36 हैं। निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षक निदेशालय 16 जनरल, 1 SC, 15 OBC, 3 EWS, 35 हैं टोटल। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर में 12 जनरल, 6 SC, 9 OBC, 3 EWS, टोटल 30 पद हैं। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय 12 जनरल, 2 SC, 1 7 हैं OBC और 2 पद हैं EWS, टोटल 23 पद हैं। इसी तरह से अभियोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश में टोटल 20 पद हैं। निदेशक कारखाना उत्तर प्रदेश कानपुर में 18 पद हैं। नागरिक सुरक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश में 18 हैं। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज में 18 पद हैं। इसी तरह आप देखेंगे दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय में 18 पद हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज में 17 पद हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में 15 पद हैं। समाज कल्याण विभाग निदेशालय में 14 पद हैं। मुख्यालय कारागार प्रशासन सुधार सेवाएं उत्तर प्रदेश में 14 पद हैं। कार्यालय दुग्ध आयुक्त दुग्धशाला विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ में 13 पद हैं। प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय उत्तर प्रदेश में 11 पद हैं। कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय उत्तर प्रदेश में 8 पद हैं। प्राविधिक शिक्षा परिषद में हैं 8 पद। कृषि विपणन कृषि विदेश व्यापार निदेशालय में 6 पद हैं। इसी तरह विधिक माप विभाग में 5 पद हैं। नगर निकाय निदेशालय में 5 पद हैं। पंचायती राज लेखा निदेशालय में 5 पद हैं। खेल निदेशालय में 5 पद हैं। इसी तरह आप देखेंगे यहाँ उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान में 4 पद हैं। संस्थागत वित्त बीमा ब्रह्म बाहर सहायतित परियोजना में 4 पद हैं। निदेशक कोषागार में 4 पद हैं। आंतरिक लेखा लेखा परीक्षक निदेशालय में 2 पद हैं। सचिवालय प्रशिक्षण प्रबंधन संस्थान में 2 पद हैं। दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान में 2 पद हैं। मत्स्य निदेशालय में 2 पद हैं। न्यायालय कार्यालय राज्य आयुक्त में 2 पद हैं। एक पत्र छत्र सभी साहब जी महाराज शोध संस्थान में हैं और कार्यालय आयुक्त निबंधक सहकारिता में 27 पद हैं। अर्थ एवं संख्या प्रभाग में 25 पद हैं। खेल माफ कीजिए खाद रसद विभाग आपूर्ति शाखा में 15, अभियोजन निदेशालय में 11, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में 7, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में 7 पद हैं। आंतरिक लेखा लेखा परीक्षक निदेशालय में 4 हैं। श्रम आयुक्त कार्यालय में 4 हैं। मत्स्य निदेशालय में 4 पद हैं। इस तरह से अन्य जो विभाग हैं उनमें भी आप कैटेगरी वाइज पदों के विवरण देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ जर्नल के कुल पद हैं 1099, SC के हैं 583, ST के 64, 718 OBC और 238 पद हैं EWS वर्ग में। ओवरऑल पदों की संख्या सभी डिपार्टमेंटों में मिलाकर है 2702। आरक्षण संबंधी जो प्रावधान हैं केवल उत्तर प्रदेश के SC ST अन्य पिछड़े वर्ग EWS वर्ग के कैंडिडेटों को ही मान्य होगा। शैक्षिक योग्यताएं या क्वालिफिकेशन जो है अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं आवेदक ने
माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा यानी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है हिंदी अंग्रेजी टंकण में हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट न्यूनतम गति होनी चाहिए अंग्रेजी में टाइपिंग की। और तीसरी कंडीशन है DOESCC सोसाइटी के द्वारा कंप्यूटर चलाने का CCC प्रमाण पत्र आवेदक ने प्राप्त किया हो या किसी अन्य मान्य सरकारी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से CCC कंप्यूटर सर्टिफिकेट आवेदक ने हासिल किया होना चाहिए। अन्य कंडीशंस हैं आवेदक ने 2 साल तक कम से कम प्रादेशिक सेना में सेवा की हो और राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र आवेदक के पास होना चाहिए। ये 2 कंडीशन जो कैंडिडेट पूरा करते हैं उनको वरीयता दी जाएगी। आयु सीमा जूनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक की छूट दी जाएगी। तो जूनियर असिस्टेंट के पदों पर लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, मुख्य लिखित परीक्षा होगी ये। इसके अंतर्गत 15 गुने कैंडिडेटों को कैटेगरी वाइज मुख्य परीक्षा के लिए कॉल किया जाएगा, जो भी ऑनलाइन मोड में मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करेंगे। जूनियर असिस्टेंट के पदों पर जो मुख्य परीक्षा होगी उसका पाठ्यक्रम कुछ इस तरह से है या स्कीम जो होगी, ये एक पाली में परीक्षा होगी 100 अंकों की, 2 घंटे का समय इस परीक्षा के लिए दिया जाएगा। सभी प्रश्न जो होंगे वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प प्रकार के होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और हर गलत उत्तर देने पर 1/4 यानी 25% अंक काट लिए जाएंगे। निर्धारित जो परीक्षा योजना है उसमें 5 भाग होंगे। पहले भाग में हिंदी और लेखन योग्यता पर 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरे भाग में सामान्य बुद्धि परीक्षण के लिए 15 प्रश्न पूछे जाएंगे 15 अंकों के। तीसरे भाग में सामान्य जानकारी जनरल नॉलेज पर 20 प्रश्न होंगे 20 अंकों के। चौथे भाग में कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी की ज्ञान को परखने के लिए 15 प्रश्न पूछे जाएंगे 15 अंकों के। पांचवें भाग में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज पर आधारित 20 प्रश्न होंगे 20 अंकों के। टोटल प्रश्नों की संख्या होगी मुख्य परीक्षा में 100 और टोटल निर्धारित अंक होंगे 100। 2 घंटे का समय यहाँ पर दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम यहाँ आपको दिया गया है हिंदी परिज्ञान लेखन पर आधारित। यहाँ इंटरमीडिएट की परीक्षा के स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य बुद्धि परीक्षण के लिए कैंडिडेट के विभिन्न तत्वों का विश्लेषण पहचान करने तर्क करने की योग्यता को मापा जाएगा। इसमें ऐसे प्रश्न होंगे जो कि अनुदेशों को समझने, संबंधों, समानताओं, संगतताओं का पता लगाने, निष्कर्ष निकालने और बौद्धिक क्रियाओं पर आधारित होंगे। तीसरा जो भाग होगा सामान्य जानकारी का होगा, समसामयिक घटनाओं, इतिहास के प्रश्न, करंट अफेयर्स के प्रश्न, वैज्ञानिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न, ये सभी इसमें पूछे जाएंगे। चौथे भाग में कंप्यूटर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी का परिचय, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस की जानकारी, डिजिटल उपकरण अनुप्रयोग, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब का परिचय, भविष्य के कौशल, साइबर सुरक्षा, वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे इस पार्ट में। पाँचवा जो पार्ट होगा इसमें उत्तर प्रदेश पर आधारित सामान्य जानकारी के प्रश्न होंगे, जैसे उत्तर प्रदेश की इतिहास, संस्कृति, कला, वस्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज, पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्य जीव, खान और खनिज, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, रोजगार, राजव्यवस्था, प्रशासन, समसामयिक घटनाएं, विभिन्न क्षेत्रों में राज्य की उपलब्धियों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये जो हमने सिलेबस की एक रूपरेखा बताई है इस पर आधारित आप अपनी परीक्षा की तैयारी मुख्य परीक्षा के लिए कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपने भी UP SSC PET 2023 का वैलिड स्कोर कार्ड हासिल किया हुआ है तो जूनियर असिस्टेंट
के पदों के लिए आप 2702 पदों के लिए विभिन्न विभागों में आवेदन कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ऑनलाइन आवेदन 23 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे और 22 जनवरी 2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर लिख भेजें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें, वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।